कूदे जो पीएससी मा होके बवाल, दिन रात पढ़ना है मजा वो धमाल, काम कर ले थसरे टेंशन, अरे काम कर ले थसरे टेंशन, जब अफसर बन के ते कर पे धमाल। ये कैसे होगा सर? हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय सिंह राजपूत एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आपको एमसीक्यू के माध्यम से क्या करा रहे हैं, संपूर्ण सीजीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करा रहे हैं, जिसके तहत आपने देखा कि जो हमारा नेचुरल जियोग्राफी वाला पार्ट है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं और अभी छत्तीसगढ़ के इतिहास के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में हमने जो पहला वीडियो लाया था वो पाषाण काल से लेकर वैदिक सभ्यता तक की महत्वपूर्ण जानकारियों पर था। उसके उपरांत हमारा दूसरा वीडियो किस पर था, तो दूसरा वीडियो हम महाजनपद काल से लेकर भारतीय राजवंश एवं छत्तीसगढ़ के प्रमुख विशेषताओं के ऊपर एक वीडियो लेकर आ चुके हैं। उसी क्रम में आज आगे बढ़ते हुए जो हमारा आज का टॉपिक है वह है वाकाटक वंश एवं छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। वाकाटक वंश यहाँ पर क्यों लिखा गया है, तो आपको पता है कि भारतीय राजवंशों के अंतर्गत कल जो हमारा वीडियो आया था उसमें वाकाटक वंश का जो पोर्शन था वो क्या हो गया था, आपका छूट गया था, ठीक है। तो उसको आज हम किसके साथ कंप्लीट करेंगे, तो छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश के साथ कंप्लीट करेंगे। वाकाटक वंश को इस वीडियो में लाने का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि वाकाटक वंश का जो संघर्ष है वो मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के एक क्षेत्रीय राजवंश जिसका नाम है नल नाग वंश, उनके साथ लंबे समय तक चलता रहा है। तो दोनों को एक पैरेलल लेकर हम क्या करेंगे, आज का हमारा जो अध्ययन है वो शुरू करेंगे। तो और समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है आपको, रुद्रसेन द्वितीय व महारानी प्रभावती का कौन सा पुत्र राजगद्दी पर प्रवरसेन द्वितीय के नाम से बैठा था। ठीक, क्या बोल रहा है, रुद्रसेन द्वितीय व महारानी प्रभावती का कौन सा पुत्र राजगद्दी पर प्रवरसेन द्वितीय के नाम से बैठा था। तो फिर से हम पीछे चलते हैं जहां पर हमने क्या किया था, कल का वीडियो हमारा समाप्त किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गुप्त वंश के अंतर्गत मुख्य शासक कौन, तो समुद्रगुप्त है ना। समुद्रगुप्त ने क्या किया था, संपूर्ण भारत पर विजय अभियान चलाया था, जिसके तहत वो पांच चरणों में क्या किए थे, अपना विजय अभियान चलाए थे। उन पांच चरणों में से एक अभियान था उनका दक्षिणापथ विजय अभियान। इस दक्षिणापथ विजय अभियान के तहत उन्होंने क्या किया था, तो दक्षिणापथ विजय अभियान के तहत उन्होंने कुल 12 राज्यों को पराजित किया था, जिसमें से दो राज्य किसके थे, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आते थे, जो उस समय दक्षिण कोसल एवं महाकांतर के नाम से जाने जाते थे। दक्षिण कोसल के अंतर्गत आपको पता है कि वाकाटक वंश के शासक कौन, महेंद्र सेन शासन कर रहे थे, और महाकांतर के अंतर्गत आपके नल नाग वंश के शासक व्याघ्रराज शासन कर रहे थे। इन दोनों को कौन पराजित कर देते हैं, तो समुद्रगुप्त पराजित कर देते हैं, और अपने दक्षिणापथ विजय अभियान की जो नीति रहती है ग्रहण मोक्षानुग्रह या सकल मोक्षानुग्रह, उसके तहत इन पर क्या किया जाता है, इनको अपने अधीन किया जाता है और इनसे टैक्स लिया जाता है। साथ ही संधि पर एक और हस्ताक्षर कराए जाते हैं जिसमें कहा जाता है कि जब भी गुप्तों को क्या होगा, सैन्य की आवश्यकता होगी, तब आप क्या करेंगे, अपनी सैन्य सहायता भी हमको प्रदान करेंगे। इसके बदले आप क्या कर सकते हैं, अपने क्षेत्र पर या अपने साम्राज्य पर शासन कर सकते हैं, और अपने क्षेत्र पर शासन करने के बदले आपको क्या करना है, हमको एक निश्चित जो राशि है कर के रूप में वो हर साल हमको देनी है। यहां तक क्लियर है। अब ये जो तीन राजवंश का नाम आपने सुना, वाकाटक वंश, गुप्त वंश और नल नाग वंश, इसके बारे में सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे संघर्ष शुरू हुआ था।
कौन कौन से राजवंश का नाम याद रखना है आपको? सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे वाकाटक वंश। कौन सा वंश? वाकाटक वंश। एक राजवंश जिसका नाम आपको याद रखना है गुप्त वंश, और एक नलनाग वंश। ये तीन राजवंश के नाम आप पहले याद रखिए और तीनों को एक साथ पैरेलली हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। ठीक, तीनों के अंतर्गत किनका किनके या किस राजा के जो संघर्ष है वो कौन से राजा के साथ हो रहा है, किस वंश का युद्ध किस वंश के साथ हो रहा है, इसके बारे में हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक विस्तृत चर्चा करते हैं। तो आप जो देख रहे हैं वाकाटक वंश, इस वाकाटक वंश के अंतर्गत सबसे पहले हम तीनों राजवंशों की राजधानी देख लेते हैं। तो आपको पता है वाकाटक वंश की इस समय राजधानी थी नंदीवर्धन। वाकाटक वंश की इस समय राजधानी क्या? नंदीवर्धन। गुप्त वंश की राजधानी रहती है पाटलिपुत्र। गुप्त वंश की राजधानी क्या? पाटलिपुत्र। ठीक, वाकाटक वंश की राजधानी नंदीवर्धन, जिसे वर्तमान में नागपुर के नाम से जाना जाता है, जो कि किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में है। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र को आज वर्तमान पटना के नाम से जाना जाता है, जो वर्तमान बिहार राज्य की क्या है, राजधानी है। इसके अलावा नलनाग वंश की दो राजधानियां आपको याद रखनी है। पहला है कोरापुट, जो कि उड़ीसा में है, और दूसरा है पुष्करी। और ये जो पुष्करी है ये आज वर्तमान के छत्तीसगढ़ के भोपालपट्टनम तहसील बीजापुर जिले में आता है। कहां पर आता है? तो भोपालपट्टनम तहसील बीजापुर जिले के अंतर्गत ये पुष्करी क्षेत्र आता है। क्लियर है यहां तक? अब हम बात करें इन वंशों के संस्थापक की। तो वाकाटक वंश के संस्थापक के रूप में आप नाम याद रखेंगे महेंद्र सेन का। किसका नाम याद रखेंगे? महेंद्र सेन का। अभी मैं जो जो और नल नाग वंश के अंतर्गत आप ध्यान रखेंगे व्याघ्र राज का। व्याघ्र राज, ये जो दो नाम आपको दिख रहे हैं महेंद्र सेन और व्याघ्र राज, इन दोनों को संस्थापक कहा गया है किसमें? तो हमने पढ़ा था कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, छत्तीसगढ़ पर आक्रमण किया था। तो उस समय उनके जो दरबारी कवि रहते हैं हरिसेन, उनकी रचना रहती है क्या? प्रयाग प्रशस्ति। तो प्रयाग प्रशस्ति के अंतर्गत जो उल्लेख किया गया है हरिसेन के द्वारा, उसमें वाकाटक वंश के संस्थापक के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? महेंद्र सेन का। और नल नाग वंश के संस्थापक के रूप में किसका उल्लेख किया गया है? व्याघ्र राज का। हालांकि इनके जो मुख्य रूप से ये जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कोई और है। जब पर्टिकुलर इस वंश को अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे, तब मैं बताऊंगा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है कि वाकाटक वंश के संस्थापक कौन? महेंद्र सेन। नल नाग वंश के संस्थापक कौन? व्याघ्रराज। तो और गुप्त वंश जो है, इस गुप्त वंश के संस्थापक है श्री गुप्त। कौन है? श्री गुप्त है। समझ में आ गया इतना? क्लियर है। अब देखते हैं इसके राजवंश के बारे में। महेंद्र सेन, महेंद्र सेन के उपरांत आपको जो नाम याद रखना है वह है रुद्रसेन द्वितीय। ठीक, कौन है? रुद्रसेन द्वितीय। इनके उपरांत प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन के उपरांत नरेंद्र, नरेंद्र सेन, नरेंद्र सेन के उपरांत पृथ्वी सेन द्वितीय, और इसके उपरांत हरि सेन। इतने राजों के नाम याद रखना है आपको। नल नाग वंश के अंतर्गत व्याघ्र राज, व्याघ्र राज उपरांत वराह राज, वराह राज के उपरांत भवदत्त वर्मन, अर्थपति परम भट्टारक, अर्थपति परम भट्टारक उपरांत स्कंद वर्मन,
स्कंद वर्मन, स्कंद वर्मन के नीचे फिर और भी बहुत सारे राजा हैं, नल नागवंश पढ़ेंगे तब देखेंगे, स्तंभराज, नंदराज, विरूपाक्ष, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलासतुंग और लास्ट में आप नरेंद्र थबल को इस वंश के अंतिम शासक के रूप में देखेंगे। ठीक, अब यहां पर देखते हैं श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के उपरांत एक शासक आए थे घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम प्रथम स्वतंत्र शासक थे गुप्त वंश के। ठीक है, क्या थे? प्रथम स्वतंत्र शासक थे गुप्त वंश के। और चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र रहते हैं कौन? समुद्रगुप्त। कौन थे? समुद्रगुप्त। तो हमको अभी यहां पर काम है किसका? समुद्रगुप्त का। तो मैं सीधा नाम यहां पर क्या लिख रहा हूं? समुद्रगुप्त। ठीक है, नाम आपको यहां पर क्या देख रहे हैं? डायरेक्ट समुद्रगुप्त। और समुद्रगुप्त के दो पुत्र रहते हैं, बड़े पुत्र का नाम रहता है रामगुप्त और छोटे पुत्र का नाम रहता है चंद्रगुप्त द्वितीय, या जिन्हें हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो रामगुप्त को यहां पर कोई काम नहीं है, है ना? तो मैं यहां पर सीधा क्या लिख रहा हूं अभी? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। अब देखते हैं, हमने अभी पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था? गुप्त वंश पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो गुप्त वंशी शासक समुद्रगुप्त थे, उन्होंने अपने दक्षिणापथ विजय अभियान में सकल मोक्षानुग्रह की नीति के तहत 12 राज्यों को पराजित किया था, जिसमें से दो राज्य क्या थे आपके? ठीक, इसमें से दो राज्य क्या थे? छत्तीसगढ़ के थे। ठीक, और वो कौन कौन से थे? तो वो थे दक्षिण कोसल के अंतर्गत क्या आपका? दक्षिण कोसल के अंतर्गत वाकाटक वंश। इस वाकाटक वंश के ऊपर आक्रमण किया किसने? समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया और महेंद्र सेन को पराजित कर दिया, और यहां महाकांतर बस्तर पर आक्रमण करके इन्होंने किसको पराजित कर दिया? तो इन्होंने व्याघ्र राज को पराजित कर दिया। ठीक, दोनों राजवंश क्या हो गए? अब गुप्त वंश के अधीन आ गए, गुप्त वंश के अधीन आ गए। क्लियर है यहां तक? कैसी थी नीति? तो इन लोग क्या करेंगे? टैक्स देंगे, साथ ही जब भी गुप्त साम्राज्य को सेना की आवश्यकता होगी तो इन लोग सेना भी प्रदान करेंगे। यहां तक क्लियर है? इसके बदले में ये क्या कर सकते हैं? अपने क्षेत्र में शासन कर सकते हैं। इतनी सुविधा दी जाती है किसको? इन दोनों वंशों को। किसके द्वारा दी जाती है? तो समुद्रगुप्त के द्वारा दी जाती है। समझ में आ गया? अब समुद्रगुप्त की क्या हो गई बाद में? मृत्यु। समुद्रगुप्त की मृत्यु उपरांत रामगुप्त शासक बन जाते हैं, जो कि इनके ज्येष्ठ पुत्र रहते हैं, मतलब बड़े पुत्र रहते हैं। बड़े पुत्र होने के कारण रामगुप्त क्या बन गए? समुद्रगुप्त के उपरांत शासक बन गए। लेकिन रामगुप्त एक अयोग्य शासक थे। इतने बड़े साम्राज्य के मालिक होने पर भी या इतनी बड़ी सेना होने के बाद भी वो क्या नहीं कर पाते? भारत की रक्षा नहीं कर पाते किससे? सकों से। ठीक, तब चंद्रगुप्त द्वितीय जो रहते हैं, जो रामगुप्त के छोटे भाई रहते हैं, वो क्या करते हैं? सकों से युद्ध करने का निर्णय लेते हैं और रामगुप्त को सत्ता से बहिष्कृत कर या सत्ता से हटाकर स्वयं क्या बनते हैं? राजा बनते हैं। स्वयं राजा बनते हैं और क्या करते हैं? सकों से युद्ध करते हैं। सकों से जब ये युद्ध करते रहते हैं तब इनको एक व्यक्ति सैन्य सहायता देते हैं। ठीक है, सैन्य सहायता कौन देते हैं? तो ये जो महेंद्र सेन दिख रहे हैं आपको, ये महेंद्र सेन को रुद्र सेन प्रथम भी कहा जाता है। तो इस महेंद्र सेन के पुत्र जो रुद्र सेन द्वितीय हैं, वो क्या करते हैं? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को सकों के विरुद्ध उनके युद्ध अभियान में सैन्य सहायता देते हैं। ठीक है, उनकी सहायता करते हैं। किनकी सहायता करते हैं रुद्र सेन द्वितीय? तो चंद्रगुप्त द्वितीय की सहायता करते हैं। कैसी सहायता? तो सैन्य सहायता। अब जब इस युद्ध में, जब युद्ध चलते रहता है गुप्तों और सकों के मध्य में, तो गुप्त वंश के तरफ से जो रुद्रसेन द्वितीय युद्ध करते रहते हैं, ये एक अप्रतिम क्या करते हैं? अप्रतिम युद्ध का प्रदर्शन करते हैं, अपने कला का बहुत अच्छे से प्रदर्शन करते हैं और बहुत अच्छा युद्ध करते हैं, जिससे चंद्रगुप्त जो द्वितीय रहते हैं वो क्या होते हैं? रुद्रसेन द्वितीय से अत्यधिक प्रभावित होते हैं। ठीक, ये युद्ध में क्या होती है? गुप्त वंश की विजय होती है, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय होती है, और इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के उपरांत जो चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं वो सकारी की उपाधि धारण करते हैं, मतलब सकों का वध करने वाला कौन? सकारी। ठीक है, तो युद्ध में विजय उपरांत जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो क्या करते हैं? सकारी की उपाधि धारण करते हैं। साथ ही चंद्रगुप्त द्वितीय रुद्रसेन द्वितीय से क्या होते हैं? अत्यधिक प्रभावित होते हैं, और अत्यधिक प्रभावित होने पर वो क्या करते हैं? उनकी एक पुत्री रहती है जिसका नाम रहता है प्रभावती गुप्त। क्या नाम रहता है पुत्री का? प्रभावती गुप्त। इस प्रभावती गुप्त का
ठीक, पुत्री क्या रह, कौन रहती है इनकी, पुत्री, पुत्री का नाम रहता है प्रभावती। ठीक, इस प्रभावती का विवाह किससे होता है, तो इसका विवाह कराते हैं ये रुद्रसेन द्वितीय से। प्रभावती का विवाह किससे करा देते हैं ये, तो रुद्रसेन द्वितीय से क्या कराते हैं, ये प्रभावती का विवाह कराते हैं। क्लियर है यहां तक, समझ में आ गया, प्रभावती का क्या करा दिए, ये विवाह करा दिए, किससे करा दिए, तो रुद्रसेन द्वितीय से करा दिए। अब रुद्रसेन द्वितीय से जब इनका विवाह होता है, तो ये जो रानी प्रभावती रहती है और जो महाराज रुद्रसेन द्वितीय हैं, ठीक है, इनका विवाह हो गया। और विवाह के उपरांत इससे पहले तक क्या थे, जो वाकाटक वंश थे वो गुप्त वंश के अधीन कार्य कर रहे थे। लेकिन अब जब प्रभावती से विवाह हो गया, तो रुद्रसेन द्वितीय क्या करा लेते हैं, विवाह के उपरांत अपने आप को स्वतंत्र करा लेते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय उनको क्या करते हैं, स्वतंत्र कर देते हैं। भैया क्या हो आप, दामाद बाबू हो, दामाद बाबू आप स्वतंत्र रहे और स्वतंत्र रूप से क्या करें, अपने क्षेत्र में शासन करें। ठीक, तो जो अधीनता किसके समय शुरू हुई थी, महेंद्रसेन या रुद्रसेन प्रथम के समय शुरू हुई थी, वो अधीनता कब समाप्त हो गई, तो रुद्रसेन द्वितीय के समय समाप्त हो जाती है। कैसे समाप्त हो जाती है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से विवाह के उपरांत जो रुद्रसेन द्वितीय थे वो क्या करा लेते हैं, गुप्तों से अपने आप को स्वतंत्र करा लेते हैं। अब यही गुप्तों से स्वतंत्र कराने के उपरांत जब इनका विवाह हो गया, तो इनको दो पुत्र प्राप्त होते हैं। ठीक है, कौन कौन से पुत्र प्राप्त हुए, तो दो पुत्र प्राप्त होते हैं, एक का नाम रहता है दामोदर सेन और दूसरे का नाम रहता है दिवाकर सेन। ठीक है, रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती के कितने पुत्र याद रखने आपको, दो, दामोदर सेन और दिवाकर सेन। क्लियर है, अभी आगे बताऊंगा, इसमें से जो दामोदर सेन होंगे वही आगे चलकर क्या होते हैं, प्रवर सेन द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठते हैं या अगले वाकाटक वंश के शासक होते हैं। समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है सभी को, जल्दी से बताएं, सबको समझ में आ रहा है, किसी कुछ डाउट है, नहीं है, ठीक। अब क्या होता है, दो पुत्र हो गए और पुत्र होने के कुछ ही समय उपरांत क्या हो जाता है, रुद्रसेन द्वितीय की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। रुद्रसेन द्वितीय की क्या हो गई, आकस्मिक मृत्यु हो गई। अब जब आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो दामोदर सेन या प्रवर सेन द्वितीय के संरक्षिका के रूप में जो प्रभावती गुप्त रहती है वो शासन करते रहती है, लेकिन सत्ता का जो एक्चुअल कंट्रोल है वो किसके हाथों में आ जाता है, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय के हाथों में आ जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय ही क्या करते रहते हैं, प्रवर सेन द्वितीय के बड़े होने तक इस क्षेत्र का संचालन करते रहते हैं। इसलिए प्रभावती गुप्त को हम यहां पर संरक्षिका के रूप में एक्चुअल नहीं देखते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंतर्गत एक्चुअल कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो प्रभावती जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन प्रभावती को हम लोग यहां छत्तीसगढ़ के अंतर्गत प्रथम संरक्षिका नहीं कहते हैं, क्यों, क्योंकि एक्चुअल जो कंट्रोल है वो किसके द्वारा किया जाता रहता है, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा किया जाते रहते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रथम महिला संरक्षिका के रूप में हम लोग वाष्टा देवी को पढ़ेंगे आगे पांडु वंश में, तब वहां पर और डिटेल में चर्चा करूंगा मैं। यहां तक क्लियर है। अब जब चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते रहते हैं, यहां की सत्ता संभालते रहते हैं, और इनके जो नाती हैं कौन, प्रवरसेन द्वितीय, ये क्या रहते हैं, अल्पवयस्क रहते हैं, तो इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए, ठीक है, इनकी शिक्षा दीक्षा के लिए ये अपने दरबारी कवि कालिदास जी को, ठीक है, कौन, कालिदास जी को इनकी शिक्षा दीक्षा और राज्य के हाल चाल जानने के लिए क्या करते हैं, ये प्रवर सेन द्वितीय के पास भेजते हैं। ठीक, तो जो कालिदास रहते हैं वो किसके समय में आते हैं, छत्तीसगढ़, तो प्रवर सेन द्वितीय के समय में आते हैं। फिर आगे तो हमने पूरा पढ़ ही लिया है, क्या क्या पढ़ा है, प्रवर सेन द्वितीय के समय में कौन आ रहे हैं, कालिदास आ रहे हैं। कालिदास कहां पर पहुंचे, सरगुजा, सरगुजा के अंतर्गत जब वो पहुंचते हैं, तो सरगुजा की सुंदरता को देखकर क्या बोलते हैं, ये सरगुजा को स्वर्ग का द्वार बोलते हैं। साथ ही सरगुजा के अंतर्गत जो रामगढ़ की पहाड़ी है वहां पर बैठकर ये क्या करते हैं, मेघदूतम नामक ग्रंथ की रचना करते हैं संस्कृत भाषा में, जिसका छत्तीसगढ़ी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है, तो मुकुटधर पांडे जी के द्वारा किया गया, जिसके लिए 1976 में मुकुटधर पांडे जी को क्या दिया गया, पद्मश्री सम्मान दिया गया। और मुकुटधर पांडे जी पहले व्यक्ति हैं जिनको छत्तीसगढ़ से पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। क्लियर यहां तक, प्रवरसेन द्वितीय तक आ गया है आप। अब प्रवरसेन द्वितीय, प्रवरसेन द्वितीय के बारे में आगे मैंने अभी और क्वेश्चन रखे हुए हैं, तब इनके बारे में और चर्चा करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, प्रवरसेन द्वितीय के उपरांत सत्ता पर कौन आ गए, नरेंद्र सेन आ गए। ठीक, और नरेंद्र सेन जब आते हैं उस समय नल नाग वंश के अंतर्गत शासक शासन करते रहते हैं भौदत्वर में। मतलब नरेंद्र सेन के समकालीन नल नाग वंश में कौन से शासक शासन कर रहे हैं, तो भवदत्त वर्मन शासन कर रहे हैं। कौन शासन कर रहे हैं, भवदत्त वर्मन शासन कर रहे हैं। और ये जो भवदत्त वर्मन रहते हैं ये करते हैं आक्रमण।
किसके ऊपर करते हैं आक्रमण ये? तो ये करते हैं नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण। ठीक है, कौन आक्रमण कर रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भौदत्त वर्मन आक्रमण कर रहे हैं। किसके ऊपर आक्रमण किए? तो नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण किए, और नरेंद्र सेन के ऊपर आक्रमण करके नरेंद्र सेन को पराजित भी कर देते हैं। नरेंद्र सेन को क्या कर देते हैं? ये पराजित कर देते हैं। क्लियर है? नरेंद्र सेन को पराजित करते हैं, और पराजित करने के उपरांत जो इनकी राजधानी रहती है नंदीवर्धन, इस नंदीवर्धन पर भौदत्त वर्मन क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं, और कुछ समय तक नंदीवर्धन से क्या करते हैं? शासन करते हैं। जिस समय ये नंदीवर्धन से शासन करते रहते हैं, उस समय जो भौदत्त वर्मन रहते हैं, ये क्या करते हैं? नंदीवर्धन से ही ताम्रपत्र जारी करते हैं। क्या करते हैं? नंदीवर्धन से ताम्रपत्र जारी करते हैं। समझ में आ गया इतना? अब इनका शासन चले गया, इधर नरेंद्र सेन हट गए और इधर भौदत्त वर्मन भी हट गए। ठीक, अब नरेंद्र सेन के उपरांत उनके पुत्र पृथ्वी सेन द्वितीय क्या हो जाते हैं? वाकाटक वंश के शासक बनते हैं। और पृथ्वी सेन द्वितीय में क्या रहता है? एक प्रतिशोध की भावना रहती है कि नल नाग वंश के जो शासक थे भौदत्त वर्मन, उन्होंने क्या किया था? मेरे पिता को पराजित किया था और उनको उनके राज्य से क्या कर दिया था? बहिष्कृत कर दिया था। इस बात का गुस्सा रहता है किसे? पृथ्वी सेन द्वितीय को। तो पृथ्वी सेन द्वितीय क्या करते हैं? इस प्रतिशोध के भाव से आक्रमण करते हैं। किसके ऊपर? नल नाग वंश के ऊपर आक्रमण करते हैं। तो इस समय नल नाग वंश के अंतर्गत कौन शासन करते रहते हैं? तो अर्थपति परम भट्टारक शासन करते रहते हैं, जो कि भवदत्त वर्मन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? भवदत्त वर्मन के पुत्र थे। समझ में आ गया? भौदत्त वर्मन के दो पुत्र, बड़े पुत्र रहते हैं अर्थपति परम भट्टारक, और छोटे पुत्र रहते हैं स्कंद वर्मन। नल नागवंश में और विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जो पृथ्वी सेन द्वितीय रहते हैं, ये प्रतिशोध के भाव से क्या करते हैं? आक्रमण करते हैं अर्थपति परम भट्टारक पर। ठीक है, इस बार कौन आक्रमण कर रहे हैं? तो वाकाटक वंश के शासक पृथ्वी सेन द्वितीय। पृथ्वी सेन द्वितीय कहां पर आक्रमण कर रहे हैं? नल नागवंश पर। नल नागवंश के अंतर्गत शासक कौन? तो अर्थपति परम भट्टारक। अब इस आक्रमण में जो अर्थपति परम भट्टारक हैं, ये क्या होते हैं? पराजित होते हैं, और पृथ्वी सेन द्वितीय की क्या होती है? विजय होती है। पराजित करने के उपरांत अर्थपति परम भट्टारक की यहां पर हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा हत्या कर दी जाती है? तो आप बताएंगे कि पृथ्वी सेन द्वितीय के द्वारा इनकी हत्या कर दी जाती है। साथ ही इनकी जो राजधानी रहती है क्या? पुष्करी। राजधानी क्या है? पुष्करी को पूरा नष्ट कर दिया जाता है। पुष्करी में आग लगा दी जाती है। किसके द्वारा? तो पृथ्वी सेन द्वितीय के द्वारा पुष्करी में आग लगा दी जाती है। क्लियर है यहां तक? साथ ही पुष्करी और वहां उस क्षेत्र के अंतर्गत एक विदर्भ क्षेत्र, इस पर पृथ्वी सेन द्वितीय क्या कर लेते हैं? अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बाद जब अर्थपति परम भट्टारक की मृत्यु हो जाती है, तो अर्थपति परम भट्टारक की मृत्यु उपरांत जो नल नाग वंश रहते हैं, ये कुछ समय के लिए क्या होते हैं? पतन की कगार पर पहुंच जाते हैं। तब जो स्कंद वर्मन रहते हैं, कौन? स्कंद वर्मन, ये फिर से क्या करते हैं? नल नागवंश को मजबूत करते हैं, और नल नागवंश को मजबूत करके फिर से नल नागवंश का विस्तार करना शुरू करते हैं। इसलिए स्कंद वर्मन को नल नागवंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नल नागवंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। समझ में आ गया? इतनी स्टोरी क्लियर है आप सभी को? किसी को कुछ डाउट? अच्छा लगा तो बोलिए आप, कैसा लग रहा है ये स्टोरी आपको? अच्छा लगा, बढ़िया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। इन सब चीजों के ऊपर आगे मैं भी और चर्चा करूंगा, चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। वैसे मैं आशा कर रहा हूं कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और कहानी के माध्यम से आपको ये जो तीनों राजवंश के पैरेलल पढ़ने का जो महत्व है वो भी समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? रुद्रसेन द्वितीय व महारानी प्रभावती का कौन सा पुत्र राजगद्दी पर प्रवरसेन द्वितीय के नाम से बैठा? जल्दी लगाइए आंसर अपना। ठीक, तो आंसर क्या लगाया? दामोदर सेन। ठीक है, आंसर क्या है इसका? दामोदर सेन। दामोदर सेन जो थे वो प्रवरसेन द्वितीय के नाम से क्या हुए थे? राजगद्दी पर बैठे थे। क्लियर, चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, वाकाटक वंशीय शासक प्रवरसेन द्वितीय के संबंध में कथनों पर विचार करें। किसके संबंध में? तो वाकाटक वंशीय शासक प्रवरसेन द्वितीय के संबंध में कथनों पर आपको विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है? यह शैव धर्म के उपासक थे। दूसरा बोल रहा है, नलों के आक्रमण से बचने इन्होंने पवनार को राजधानी बनाई थी।
तीसरा बोल रहे हैं दुर्ग के मोहगा से इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, और चौथा बोल रहे हैं सेतु बंध प्रवर सेन द्वितीय की महत्वपूर्ण रचना है। ठीक, क्या जानना है हमको, तो सत्य कथनों पर हमको विचार करने हैं। पहला क्या बोल रहा है, एक सत्य है, एक दो सत्य है, एक दो तीन सत्य है कि सभी सत्य है। ठीक, एक सत्य है कि एक दो सत्य है कि एक दो तीन सत्य है कि सभी सत्य है, इसके ऊपर आपको चर्चा करना है। जल्दी से आंसर लगाइए अपना। चलिए थोड़ा सा और वाकाटक वंश के बारे में देख लेते हैं हम। जैसे वाकाटक वंश के बारे में आपने देखा कि इनकी राजधानी क्या थी, नंदीवर्धन थी। इनके राजवंश के विषय में थोड़ा चर्चा हम कर लेते हैं। किसके विषय में, राजवंश के विषय में। तो आप जानना कि एक व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, जिसका नाम है विंध्य शक्ति। ठीक है, क्या नाम है, विंध्य शक्ति। इस विंध्य शक्ति को क्या माना जाता है, तो वाकाटक वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। विंध्य शक्ति के पुत्र थे प्रवरसेन प्रथम। कौन थे, प्रवरसेन प्रथम। और प्रवरसेन प्रथम को ही क्या कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में वाकाटक वंश का संस्थापक कहा जाता है। जो हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं एक, जिनका नाम है वासुदेव विष्णु मिरासी जी, उनके अनुसार जो प्रवरसेन प्रथम थे उन्होंने संपूर्ण दक्षिण कोसल पर क्या कर लिया था, अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। ठीक है, प्रवरसेन प्रथम ने क्या कर लिया था, संपूर्ण दक्षिण कोसल में अपना साम्राज्य विस्तार कर लिया था। ठीक, और वासुदेव विष्णु मिरासी जी का यह भी कथन है कि प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु उपरांत ही क्या होता है, जो दक्षिण कोसल है उस पर गुप्तों का प्रभाव शुरू होता है। ठीक, जो प्रवरसेन प्रथम है ये किसके पुत्र रहते हैं, तो विंध्य शक्ति के पुत्र रहते हैं। और प्रवरसेन प्रथम के पुत्र रहते हैं गौतमी पुत्र। ठीक, प्रवरसेन प्रथम के पुत्र के रूप में किसका नाम आता है, तो गौतमी पुत्र का नाम आता है। गौतमी पुत्र की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, वो राजा नहीं बनते हैं। ठीक है, गौतमी पुत्र की क्या हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। और इसी कारण प्रवरसेन प्रथम के उपरांत इनके पौत्र, इनके पोते महेंद्र सेन, कौन, महेंद्र, इनके पौत्र, इनके पोते जो महेंद्र सेन हैं, वो क्या करते हैं, अगले शासक बनते हैं। और इन्हीं महेंद्र सेन को रुद्रसेन प्रथम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यही किस नाम से जानते हैं, जाना जाता है इनको, तो रुद्रसेन प्रथम के नाम से इनको जाना जाता है। समझ में आ गया। और हमने पढ़ा था कि इसी महेंद्र सेन के समय किसने आक्रमण किया था, तो समुद्रगुप्त, गुप्तवंशीय शासक समुद्रगुप्त ने आक्रमण किया था और इनको पराजित किया था। पराजित करने के उपरांत क्या कर लिया था, ग्रहण मोक्षानुग्रह की नीति के तहत या सकल मोक्षानुग्रह की नीति के तहत अपने क्षेत्र पर शासन करने की अनुमति दे दी थी। इस बात की पुष्टि कहां पर हो रही है, तो अभी मैंने बताया वासुदेव विष्णु मिरासी ने क्या कहा, प्रवरसेन प्रथम की मृत्यु उपरांत जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र है, दक्षिण कोसल जो क्षेत्र है, वो किसके अधीन चले जाते हैं, गुप्त वंश के अधीन चले जाते हैं। दोनों बात मैच कर रहे हैं। ठीक है, कि समुद्रगुप्त क्या कर दिया, महेंद्र सेन पर आक्रमण, और छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो दक्षिण कोसल वाला क्षेत्र है वो गुप्त वंश के अधीन। ठीक, वासुदेव विष्णु मिरासी का कथन इस बात से क्या हो जा रहा है, सिद्ध हो जा रहा है। फिर आपने क्या देखा, महेंद्र सेन के बाद प्रवरसेन द्वितीय, सॉरी महेंद्र सेन के बाद रुद्रसेन द्वितीय। इसके उपरांत प्रवरसेन द्वितीय, फिर नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन द्वितीय, और हरिसेन। ठीक, ये क्या है, हरिसेन इस वंश के अंतिम शासक हैं। क्लियर है यहां तक। अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या बोल रहा है प्रश्न आपको, कि वाकाटक वंशी शासक जो है प्रवरसेन द्वितीय, इनके संबंध में हमको क्या करना है, कथनों पर विचार करना है। तो मैं बताते जाता हूं, थोड़ा तो स्टोरी आपको इनके बारे में पता चल गया कि ये क्या थे, रुद्रसेन द्वितीय और रानी प्रभावती के पुत्र थे। ठीक है, इनके द्वारा क्या किया गया, इनके समय में कालिदास जी का छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ, है ना। छत्तीसगढ़ में आगमन जब हुआ तो फिर कालिदास के बारे में भी सारी चीजें हमने पढ़ ली। ठीक, कालिदास के उपरांत फिर
ये जो वाकाटकवंशी शासक प्रवर सेन द्वितीय रहते हैं, ये क्या करते हैं, दक्षिण कोसल वाले जो क्षेत्र रहते हैं उस पर फिर से अपना संपूर्ण साम्राज्य विस्तृत करते हैं, और साम्राज्य विस्तृत करने के उपरांत फिर जो कथन है उसको यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। यह शैव धर्म के उपासक थे, यह कथन बिल्कुल सही है। अभी तक आपने अपना आंसर लगा लिया है, बिल्कुल ठीक। अब शैव धर्म के क्या थे, उपासक थे, यह कथन क्या है, बिल्कुल सही है। दूसरा बोल रहा है नलों के आक्रमण से बचने इन्होंने पवनार को राजधानी बनाई थी। तो हमने अभी पीछे देखा था कि नल नागवंश और वाकाटक वंश की पुरानी दुश्मनी चल रही थी लगातार, है ना। तो पुरानी दुश्मनी जो चल रही थी उसमें ये उनके आक्रमण से बचने के लिए नंदीवर्धन मतलब नागपुर से अपनी राजधानी कहां लेकर चले गए थे, पवनार, ठीक। और ये जो पवनार है इसको उस समय प्रवरपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, प्रवरपुर के नाम से जाना जाता था, क्लियर है। तो पवनार को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, यह कथन भी क्या है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा बोल रहा है दुर्ग के मोहगा से इनका ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। दुर्ग के अंतर्गत एक मोहगा ग्राम है, उस मोहगा ग्राम से प्रवरसेन द्वितीय के क्या हुए हैं, ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। और चौथा बोल रहा है सेतु बंध क्या है, प्रवरसेन द्वितीय की महत्वपूर्ण रचना है। आपने देखा अभी कि कालिदास जो थे वो इनके दरबार में आए थे, कालिदास जब इनके दरबार में आए थे तो कालिदास का प्रभाव इनके ऊपर था, ठीक है। कालिदास ने ही क्या किया है, इनको शिक्षा दीक्षा दी है, तो कालिदास जी का कुछ तो गुण आएगा, ठीक है। तो उस गुण के तहत इन्होंने क्या किया है, एक ग्रंथ की रचना की है जिसका नाम क्या है, सेतु बंध है। तो यह चारों कथन क्या है, आपके सत्य हैं। और आपको क्या करना है, सत्य कथनों की पहचान करनी है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी, सभी कथन क्या है, सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है बालाघाट ताम्रपत्र किस वाकाटक शासक का है, बालाघाट जो ताम्रपत्र है वो किस वाकाटक शासक का है, तो ये पृथ्वीसेन द्वितीय का है। किसका है, पृथ्वीसेन द्वितीय का है। पृथ्वीसेन द्वितीय ने किस पर आक्रमण किया था, जल्दी बताएं आप, पृथ्वीसेन द्वितीय ने किस पर आक्रमण किया था, तो पृथ्वीसेन द्वितीय ने पता है आपको अर्थपति परम भट्टारक पर आक्रमण किया था, और आक्रमण करके उसको पराजित भी किया था, क्लियर है। यहां तक समझ में आ गया, बढ़िया। चलते हैं अब हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है राजश्री तुल्य वंश के शासकों की उपाधि राज्य योगी की तुलना किस उपाधि से की जाती है, राजश्री तुल्य वंश के शासकों की उपाधि क्या है, राज्य योगी है। इस राज्य योगी की तुलना किस उपाधि से की जाती है, राजयोगी की तुलना किस उपाधि से की जाती है, जल्दी से अपना आंसर लगाइए आप, ठीक। अब ये एक नया आ रहा है आपका, राजश्री तुल्य वंश, है ना, जो कि छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्रीय राजवंश है, फिर हम इस पर चर्चा करते हैं, ठीक। तो हेडिंग डालेंगे आप क्या, छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश। क्षेत्रीय राजवंश के अंतर्गत सबसे पहला जो नाम है वह है राजश्री तुल्य वंश, राजश्री तुल्य वंश। ये जो राजश्री तुल्य वंश है इनका जो शासन का समय है वो चौथी से छठवीं सदी तक है, ठीक है। कब से कब तक है, चौथी से छठवीं सदी तक है। और इनकी जो राजधानी थी वो थी आरंग, राजधानी क्या थी, आरंग। और आरंग किस जिले में आ रहा है, तो रायपुर जिले में आ रहा है। और आरंग को किस नाम से जाना जाता है, तो मंदिरों की नगरी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही आरंग किस नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे क्या, महानदी के किनारे है। दूसरा वंश है नल नाग वंश, नल नाग वंश। नल नाग वंश का जो शासन का समय है वो चौथी से दसवीं सदी तक है। और इनकी राजधानी दो बताया था मैंने आपको, पहला क्या कोरापुट, कोरापुट कहां पर, उड़ीसा में। और दूसरा क्या पुष्करी, पुष्करी कहां, भोपालपट्टनम बीजापुर में। अब आप बताएं मुझे कि कोरापुट क्षेत्र से किस नदी का उद्गम होता है, और कौन सी नदी भोपालपट्टनम वाले क्षेत्र में आकर गोदावरी नदी से मिल जाती है, बता दिया आपने, जल्दी बताइए आंसर, ठीक, गुड, ठीक। कोरापुट क्या, ये सबरी नदी का उद्गम क्षेत्र है,
तो कोरापुट वाला एरिया किस नदी के किनारे? सबरी नदी के किनारे। साथ ही पुष्करी भोपालपट्टनम के अंतर्गत कौन सी नदी? तो ये जो इंद्रावती नदी है वो किससे आकर मिलती है? तो ये आकर मिलती है किससे? गोदावरी नदी से। इसलिए पुष्करी क्षेत्र किस नदी के किनारे? तो इंद्रावती नदी के किनारे। इसके उपरांत जो अगला वंश है वह है आपका सरभपुरीय वंश। सरभपुरीय वंश, सरभपुरीय वंश का टाइम पीरियड पूछे आपको तो आप बताएंगे पांचवी से छठवीं सदी, पांचवीं से छठवीं सदी। और सरभपुरीय वंश की राजधानी जो थी वो क्या थी? सरभपुर, या इसी को आप किस नाम से जानते हैं? तो संबलपुर के नाम से जानते हैं वर्तमान में, सरभपुर पहला। और एक और जानना है आपको सिरपुर, सरभपुर और सिरपुर। और ये जो दोनों क्षेत्र हैं ये महानदी के किनारे हैं। कौन से नदी के किनारे हैं? महानदी के किनारे हैं। ठीक, चौथा जो हमारा क्षेत्रीय राजवंश है वो है पांडुवंश। पांडुवंश, पांडुवंश का जो समय है वो छठवीं से सातवीं सदी तक का है। पांडुवंश की भी राजधानी क्या थी? तो सिरपुर थी। और सिरपुर फिर से किस नदी के किनारे? तो महानदी के किनारे। ठीक है, किस नदी के किनारे? तो महानदी के किनारे। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक, अब हम आते हैं कहां पे? अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय तुल्य वंश के शासकों की उपाधि राज्य योगी की तुलना किस उपाधि से की जाती है? ऐसा आपको पूछा जा रहा है। तो उपाधि क्या हो गई राष्ट्रीय तुल्य वंश के शासकों की? राज्य योगी। और इसकी जो तुलना है ये उदयगिरी गुहा शिलालेख, उदयगिरी गुहा शिलालेख जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का है। ठीक है, किसका है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय बोल रहे हैं। ठीक, इस चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त द्वितीय की एक उपाधि का उल्लेख मिलता है किसमें? उदयगिरी गुहा शिलालेख में। और वह उपाधि है राजाधिराज सिंह। ठीक है, क्या है? राजा धीराज, राजा धीराज श्री। ये जो राजा धीराज श्री की उपाधि है इसी से राजश्री तुल्य वंश के शासकों की उपाधि राज्य योगी की तुलना की जाती है कि जैसा श्रेष्ठ ये राजा धीराज श्री की उपाधि है वैसा ही श्रेष्ठ किसकी उपाधि है? तो जो राजश्री तुल्य वंश के शासकों की उपाधि है राजयोगी वो इसी के समान श्रेष्ठ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी, राजाधिराज श्री। ठीक, विक्रमादित्य, राजाधिराज और राजाधिराज श्री में क्या लगाना है आपको? राजाधिराज श्री उपाधि लगाना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है राजश्री तुल्य वंश के संबंध में कथनों पर विचार करें। किसके संबंध में कथनों पर विचार करना है हमको? तो राजश्री तुल्य वंश के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला क्या बोल रहे हैं? यह छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। दूसरा बोल रहे हैं इनके मुद्रा तथा प्रतीक चिन्हों में सिंह अंकित होता था। तीसरा बोल रहा है इनकी राजधानी महानदी के किनारे स्थित नहीं थी। चौथा बोल रहा है चौथी से छठी सदी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया था। तो अभी आपने देखा कि राजश्री तुल्य वंश के शासकों ने कब से कब तक शासन किया था? तो चौथी से छठी सदी तक शासन किया था। राजश्री तुल्य वंश जो था राजश्री तुल्य वंश, तो राजश्री तुल्य वंश के अंतर्गत आपने दो तीन चीजें तो देख ली। क्या क्या चीजें देख ली? कि इनके शासन का समय क्या था? तो चौथी से छठी सदी था। ठीक है, शासन का समय क्या था? चौथी से छठी सदी। साथ ही ये जो शासन कर रहे थे इनकी राजधानी क्या थी? तो राजधानी आपको पता है आरंग थी। राजधानी क्या थी? आरंग थी। राजधानी के साथ में आपने और क्या देखा था? कि नदी क्या थी, किस नदी के किनारे इन लोग शासन कर रहे थे? तो महानदी के किनारे शासन कर रहे थे। आरंग किस नदी के किनारे है? तो महानदी के किनारे है।
ठीक। फिर आप ध्यान रखना, इस वंश के जो संस्थापक है, फाउंडर, इस वंश का संस्थापक कहा जाता है किसे, तो सूर या सूरा को कहा जाता है। इन्हीं सूर या सूरा के नाम पर इस वंश को सूरवंश भी कहा जाता है, सूरवंश भी कहा जाता है। ठीक, इस वंश के अंतिम शासक पूछे आपको, तो अंतिम शासक थे भीमसेन द्वितीय। ठीक, कौन थे, भीमसेन द्वितीय थे अंतिम शासक, कौन थे, भीमसेन द्वितीय। साथ ही इस वंश की जो जानकारी है, वो आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होती है हमको। ठीक है, जानकारी किससे प्राप्त होती है, आरंग ताम्रपत्र से प्राप्त होती है। और ये जो आरंग ताम्रपत्र है, ये भीमसेन द्वितीय का है। किसका है, भीमसेन द्वितीय का है। आरंग ताम्रपत्र के विषय में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, जो कंपटीशन कम्युनिटी के, अगर आप चैनल पर अभी जाएंगे तो चैनल में अभी नहीं जाना है आपको, ठीक है, पढ़ने के बाद जाना है। कब जाना है, अभी पढ़ने के बाद जाना है। तो कंपटीशन कम्युनिटी के चैनल पर आप जाएंगे तो जो शॉर्ट वाला पोर्शन है, ठीक है, शॉर्ट वाला जो प्लेलिस्ट अलग से बना हुआ है शॉर्ट के नाम से, उसमें आप जाकर देखेंगे आरंग ताम्रपत्र, तो उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो में सारा कुछ बताया हुआ है कि इसके अंतर्गत क्या क्या चीजों का वर्णन है, क्या क्या चीजें हैं, तो आप एक बार जाकर देखिए। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी ऐड करवा देता हूं, अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड होगा तो आप डायरेक्ट वहां से देख लीजिएगा, नहीं तो आप कहां पर जाकर देख सकते हैं इसको, तो आप इसको चैनल में जाकर जो शॉर्ट वाला कॉलम है, ठीक है, उस शॉर्ट्स वाले कॉलम में जाकर आप इसके बारे में क्या करें, एक बार वो हमारा शॉर्ट वीडियो भी देखें, जिससे आपको आरंग ताम्रपत्र के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। ठीक, ये जो राशि तुल्य वंश है, इनके मुद्रा में और इनके प्रतीक चिन्हों पर सिंह अंकित होता था, शेर अंकित होता था। ठीक, और इसके अलावा अभी मैंने बताया कि इस वंश के राजाओं की उपाधि क्या थी, तो राजयोगी थी, जिसकी तुलना किससे कर रहे थे हम, तो इसकी तुलना हम कर रहे थे राजाधिराज श्री उपाधि, जो कि किसकी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय की थी। और चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि कहां उल्लेखित है, तो उदयगिरी गुहा शिला लेख में उल्लेखित है। इस वंश के राजवंश के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो इस वंश का राजवंश, जैसे कि पहला देख रहे हैं आप सूर, सूर के उपरांत दैत्य प्रथम के उपरांत विभीषण उपरांत भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम के उपरांत दैत्य द्वितीय, और दैत्य द्वितीय के उपरांत भीमसेन द्वितीय। और भीमसेन द्वितीय इस वंश के अंतिम शासक, और इन्हीं का क्या है, आरंग ताम्रपत्र है, आरंग ताम्रपत्र है। क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राजश्री तुल्य वंश के संबंध में कथनों पर विचार करना है। छत्तीसगढ़ का प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है, बिल्कुल सही है, छत्तीसगढ़ क्या है, ये प्रथम क्षेत्रीय राजवंश है। दूसरा क्या बोल रहा है, इनके मुद्रा तथा प्रतीक चिन्हों में सिंह अंकित होता था, यह कथन भी बिल्कुल सही है। तीसरा क्या बोल रहा है, इनकी राजधानी महानदी के किनारे स्थित नहीं थी, यह कथन क्या हो जा रहा है आपका, गलत हो जा रहा है। इनकी जो राजधानी क्या थी, तो आरंग थी, और आरंग महानदी के किनारे स्थित थी। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है, चौथी से छठी सदी तक इस वंश के शासकों ने शासन किया था, यह कथन बिल्कुल सही है। चौथी से छठी सदी तक क्या किया गया था, इस वंश के शासकों ने शासन किया था। तो हमको यहां पर जानना क्या है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य नहीं है बोल रहे, मतलब आपको सत्य कथन की पहचान करनी है। क्या करना है, सत्य कथन की पहचान करना है। ठीक, क्या करना है हमको, सत्य कथन की पहचान करना है। तो कौन कौन से कथन सत्य हैं आपके, एक दो और चार, मतलब आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, एक दो और चार जो कथन है वो क्या है, सत्य है। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय तुल्य वंश के शासकों को क्रमानुसार व्यवस्थित करें। अभी जस्ट मैंने बताया, जल्दी से आप इसको व्यवस्थित करें,
और व्यवस्थित करके आप मुझे आंसर बताएं। जल्दी बताइए, लगा लिया आप अपना आंसर? ठीक, तो अभी हमने क्या देखा था कि इस वंश के संस्थापक कौन, तो सूर, सूर उपरांत दैत प्रथम, दैत प्रथम के बाद विभीषण, विभीषण उपरांत भीमसेन प्रथम, भीमसेन प्रथम के बाद दैत द्वितीय, और दैत द्वितीय के बाद भीमसेन द्वितीय। कहां पर दिख रहा है ये क्रम आपको? तो सूर पहले में, सभी जगह सूर दिख रहा है, और भीमसेन द्वितीय, तो भीमसेन द्वितीय तीन जगह दिख रहा है। पहले ऑप्शन में नहीं दिख रहे हैं, तो पहला ऑप्शन डायरेक्ट क्या कर लीजिए आप, एलिमिनेट कर लीजिए। ठीक, फिर अब आपको क्या देखना है, सूर के बाद क्या आ रहा है, दैत प्रथम आ रहा है, तो दैत प्रथम कहां कहां पर है, तो पहले में था, तो पहला तो ऑटोमेटिक क्या हो गया आपका, एलिमिनेट हो गया। और दूसरे में क्या दिख रहा है आपको, दूसरा दैत प्रथम कहां दिख रहा है, तो डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, दिख रहा है फिर सूरा, दैत प्रथम, विभीषण, भीमसेन प्रथम, दैत द्वितीय और भीमसेन द्वितीय। क्लियर है यहां तक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अडेंगा मुद्रा भांड के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक, किसके संबंध में, अडेंगा मुद्रा भांड के। इसके ऊपर भी मैंने एक रील बनाया हुआ है, एक शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है, उसको भी क्या करेंगे आप जाकर, अभी जब आप आरंग ताम्रपत्र के बारे में देखेंगे, उसके सामने आप अडेंगा जो मुद्रा भांड है उसके संबंध में भी क्या कर लेंगे, उस वीडियो को देख लेंगे। फिर भी मैं यहां पर और एक चर्चा कर लेता हूं छोटा सा इसके संबंध में, अडेंगा मुद्रा भांड के संबंध में। तो अडेंगा मुद्रा भांड के संबंध में चर्चा करने से पहले, सबसे पहले हम लोग ये जो नल नाग वंश है इसके राजवंश को देख लेते हैं। नल नाग वंश के अंतर्गत जो नल नाग वंश के संस्थापक थे, ठीक, संस्थापक के रूप में नाम आता है किसका, सिसुक। ठीक, किसका नाम आता है, सिसुक। सिसुक उपरांत व्याघ्रराज, व्याघ्रराज के बाद वराहराज, देन भवदत्त वर्मन, अर्थपति परम भट्टारक, स्कंद वर्मन, इसको ऐसे ले लेते हैं हम लोग, ठीक, भवदत्त वर्मन, भवदत्त वर्मन के दो पुत्र। बड़े पुत्र का नाम क्या, अर्थपति परम भट्टारक, और छोटे पुत्र कौन, स्कंद वर्मन। स्कंद वर्मन के उपरांत स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष, विलास तुंग, और विलास तुंग के उपरांत और भी बहुत सारे शासक हैं, फिर आपको याद रखना है नरेंद्र थबल, नरेंद्र थबल, ये क्या है, नरेंद्र थबल इस वंश के अंतिम शासक हैं। अब मैंने बताया था कि व्याघ्रराज को हम किसके अनुसार क्या मानते हैं, संस्थापक मानते हैं, तो समुद्रगुप्त की जो जीवन चरित्र है जिसमें, किसमें, तो प्रयाग प्रशस्ति में हरिसेन द्वारा जो रचित है उसमें क्या कहा गया है, व्याघ्रराज को क्या कहा गया, संस्थापक कहा गया। लेकिन एक्चुअल संस्थापक कौन थे, सिसुक थे। साथ ही जो वराहराज दिख रहे हैं आपको, इस वराहराज को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, संस्थापक, ठीक, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार व्याघ्रराज और वराहराज को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक, वराहराज को इस वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है।
क्लियर है यहां तक। फिर भौदत्त वर्मन के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो भौदत्त वर्मन थे उन्होंने किन पर आक्रमण किया था, तो वाकाटक वंशी शासक नरेंद्र सेन पर आक्रमण किया था और उनको पराजित किया था। पराजित करने के उपरांत उनकी जो राजधानी रहती नंदीवर्धन उस पर भी क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया था। राजधानी नंदीवर्धन पर अधिकार जब वो कर लेते हैं तो वहां पर रहकर कुछ समय शासन भी करते हैं, साथ ही नंदीवर्धन से वो क्या करते हैं, ताम्रपत्र भी जारी करते हैं। भौदत्त वर्मन के कितने पुत्र, दो पुत्र। बड़े पुत्र कौन थे, अर्थपति परम भट्टारक, और छोटे पुत्र कौन थे, स्कंद वर्मन। अब हमको पता है कि भौदत्त के उपरांत जब अर्थपति परम भट्टारक सत्ता संभालते हैं तो वाकाटक वंश में नरेंद्र सेन के उपरांत कौन सत्ता पर आ जाते हैं, तो पृथ्वी सेन द्वितीय आ जाते हैं। और पृथ्वी सेन द्वितीय प्रतिशोध के भाव से किसके ऊपर आक्रमण करते हैं, अर्थपति परम भट्टारक के ऊपर आक्रमण करते हैं। अर्थपति परम भट्टारक के ऊपर आक्रमण करके युद्ध होता है, युद्ध में अर्थपति परम भट्टारक की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु उपरांत प्रतिशोध के कारण या अपने गुस्से के कारण जो पृथ्वी सेन द्वितीय रहते हैं वो क्या कर देते हैं, जो इनकी राजधानी रहती है पुष्करी को पूर्णतः नष्ट कर देते हैं, पुष्करी में आग लगा लेते हैं, साथ ही संपूर्ण क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लेते हैं। अर्थपति परम भट्टारक की मृत्यु और मृत्यु के उपरांत जो नल नाग वंश रहता है वो क्या होने लगता है, इसके उपरांत पतन की कगार पर पहुंच जाता है। ठीक है, इसके उपरांत क्या हो जाता है, पतन की कगार पर पहुंच जाता है। ठीक, पतन की कगार पर पहुंच जाता है। तब अर्थपति परम भट्टारक के छोटे भाई कौन, स्कंद वर्मन। ये स्कंद वर्मन क्या करते हैं, सत्ता संभालते हैं और सत्ता संभालने के बाद पुनः नल नाग वंश को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। जो राजधानी पुष्करी रहती है इसको पुनः बसाते हैं, उसको समृद्धशाली नगर बनाते हैं। ठीक, और इन्हीं जो स्कंद वर्मन है इनके लिए एक शिलालेख है जिसका नाम है पोड़ागढ़ शिलालेख। कौन सा शिलालेख, पोड़ागढ़ शिलालेख। इस पोड़ागढ़ शिलालेख में स्कंद वर्मन के लिए कहा गया है, विजय था, विजय है, विजय रहेगा। ठीक है, इससे ही शुरुआत होती है किससे, किसकी, तो पोड़ागढ़ शिलालेख की। ठीक, और पोड़ागढ़ शिलालेख में और कुछ चीजों का उल्लेख है, जैसे उसमें बताया गया है कि स्कंद वर्मन अपने बड़े भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए वाकाटक वंश के ऊपर पुनः आक्रमण करते हैं और पुनः आक्रमण करके एक वहां पे शासक का नाम मिलता है, देवसेन। हालांकि वाकाटक वंश के अंतर्गत उनका नाम ज्यादा उल्लेखित नहीं होता है, उस शासक देवसेन को क्या करते हैं, ये स्कंद वर्मन पराजित भी करते हैं। साथ ही पोड़ागढ़ जो कि वर्तमान बीजापुर के अंतर्गत है, उस पोड़ागढ़ में वो क्या करते हैं, एक विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराते हैं। इन्हीं सभी कारणों से स्कंद वर्मन को नल नाग वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक, क्या कहा जाता है, द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। ठीक, फिर स्तंभराज, नंदराज, पृथ्वीराज, विरूपाक्ष के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, एक महत्वपूर्ण रूप से जानना है आपको क्या, विलासतुंग। ठीक है, विलासतुंग के समय को छत्तीसगढ़ में स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। इन्हीं के द्वारा क्या कराया गया है, तो राजीव में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया गया है। क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, तो अडिंगा मुद्रा भांड के बारे में बोल रहा है। ठीक है, अडिंगा मुद्रा भांड, ये जो अडिंगा मुद्रा भांड है इसके बारे में अब हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। अडिंगा मुद्रा भांड, अडिंगा मुद्रा भांड, ये जो अडिंगा क्षेत्र है, अडिंगा क्षेत्र, ये वर्तमान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के कोंडागांव जिले में है। ठीक, कौन से जिले में है, कोंडागांव जिले में है। और इस अडिंगा क्षेत्र से कुल 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं। ठीक है, नल नाग वंश से संबंधित कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं। इन 32 सिक्कों में से वराह राज के, ठीक, 32 सिक्कों में से वराह राज के 29, भौदत्त वर्मन का 1 और अर्थपति परम भट्टारक के 2 सिक्के हैं। ठीक है, क्या है, भौदत्त वर्मन के 1 और अर्थपति परम भट्टारक के 2 सिक्के हैं। ठीक है, कितने सिक्के हैं, 2 सिक्के हैं। अब ये जो 32 सिक्के प्राप्त हुए हैं, इन 32 सिक्कों को, इन
इन 32 सिक्कों में जो भाषा है वह है संस्कृत। ठीक, भाषा क्या है? संस्कृत है। साथ ही इन सिक्कों का अध्ययन वासुदेव विष्णु मिरासी ने किया है। ठीक, वर्तमान में ये सिक्के नागपुर संग्रहालय में रखे हुए हैं। नागपुर संग्रहालय में रखे हुए हैं। ठीक है, जो सिक्के हैं, ठीक है, जो सिक्का है, इस सिक्के के मुख्य भाग में चित्र एवं लेख अंकित है। ठीक है, मुख्य भाग में क्या है? चित्र एवं लेख अंकित है, तथा इसका पृष्ठ भाग मतलब पीछे वाला भाग पूर्णतः रिक्त है। पूर्णतः रिक्त है, इसका पिछला भाग क्या है? पूर्णतः रिक्त है। ठीक, अब पूर्णतः रिक्त है कहा जा रहा है। साथ ही इस सिक्के के अंतर्गत, जैसे मान के चलो ये किसका सिक्का है, मैं बता रहा हूं आपको, ये वराहराज का सिक्का बता रहा हूं। तो इस वराहराज के सिक्के के मुख्य भाग में श्री वराह राजस्य लिखा है। क्या लिखा है? श्री वराह राजस्य। ठीक है, चित्र और लेख अंकित है, तो लेख क्या लिखा हुआ है? श्री वराह राजस्य। चित्र क्या बना हुआ है इसके मुख्य भाग में? तो नंदी और साथ में अर्धचक्र। नंदी और अर्धचक्र का क्या है? चित्र बना हुआ है। और जैसे कि देख रहे हैं आप भौदत्त वर्मन, तो जो भौदत्त वर्मन का सिक्का है इसमें श्री भौदत्त राजस्य लिखा है। क्या लिखा है? श्री भौदत्त राजस्य लिखा है। और अर्थपति परम भट्टारक के सिक्के पे अर्थपति राजस्य लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अर्थपति राजस्य। अर्थपति के सिक्कों पर श्री नहीं लिखा हुआ है। क्या नहीं लिखा हुआ है? श्री नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है यहां तक? अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? अडेंगा मुद्रा भांड के संबंध में कथनों पर विचार करना है। क्या बोल रहा है? अडेंगा से प्राप्त सिक्कों में पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। किया गया है क्या? नहीं, अभी हमने देखा कि संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया है। दूसरा क्या बोल रहा है? वराहराज के सिक्कों के मुख्य भाग पर श्री वराहराजस्य तथा पृष्ठ भाग पर नंदी एवं अर्धचक्र की आकृति है। अभी हमने देखा कि इसका जो पृष्ठ भाग है वो क्या होता है? पूर्णतः रिक्त होता है। पृष्ठ भाग क्या होता है? पूर्णतः रिक्त होता है। क्लियर है? और मुख्य भाग पर ही क्या है? चित्र एवं लेख है। तो श्री वराहराजस्य लिखा हुआ है, साथ में नंदी एवं अर्धचक्र की भी आकृति है, लेकिन सभी के सभी चीज कहां पर है? मुख्य भाग पर है, ना कि पृष्ठ भाग पर। इसलिए यह कथन भी क्या हो जा रहा है? गलत हो जा रहा है। तीसरा क्या बोल रहा है? इन सिक्कों को रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में रखा गया है। यह भी गलत है। रायपुर के महंत घासीदास संग्रहालय में नहीं, इसको नागपुर संग्रहालय में रखा गया है। चौथा क्या बोल रहा है? इन सिक्कों का अध्ययन विष्णु शंकर शर्मा ने किया। यह भी गलत है। अभी हमने देखा वासुदेव विष्णु मिरासी जी के द्वारा क्या किया गया है? इन सिक्कों का अध्ययन किया गया है। मतलब सभी कथन क्या है आपके? असत्य है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी कथन असत्य है। क्लियर है यहां तक? चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, नल नाग वंश के संबंध में कथनों पर विचार करें। ठीक है, नल नाग वंश के संबंध में कथनों पर विचार करना है। पहला बोल रहा है, भौदत्त वर्मन ने नंदी वर्मन से ताम्रपत्र जारी किए। चौथा बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोल रहा है, अर्थपति ने अपने शासन के 7वें वर्ष पुष्करी से दान पत्र जारी किए। तीसरा बोल रहा है, नलधिपति कुलविन्य अर्थपति की उपाधि थी। और चौथा बोल रहा है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से भौदत्त वर्मन की जानकारी प्राप्त नहीं होती। सत्य कथनों पर आपको विचार करना है। एक सत्य है, एक दो की, एक दो तीन की, सभी सत्य हैं। जल्दी से कथनों पर विचार कीजिए आप। लगा लिया आंसर? देखिए पहला क्या बोल रहा है, भौदत्त वर्मन ने नंदी वर्धन से ताम्रपत्र जारी किया। पढ़ा भी हमने कि भौदत्त वर्मन ने आक्रमण किया था पृथ्वीसेन द्वितीय पर, पराजित किया, नंदीवर्धन पर अधिकार किया, नंदीवर्धन पर अधिकार कर वहां से ताम्रपत्र भी जारी किए। कथन सही। दूसरा, अर्थपति ने अपने शासन के 7वें वर्ष पुष्करी से दान पत्र जारी किया।
ये आप ऐड करके रखेंगे अर्थपति परम भट्टारक में कि इन्होंने अपने शासन के सातवें वर्ष में क्या किया था, तो पुष्करी से दान पत्र जारी किया था। क्लियर है यहां तक? नल नृपति कुलविन्य अर्थपति की उपाधि थी। बिल्कुल सही है, नल नृपति कुलविन्य अर्थपति की उपाधि थी। इसके अलावा जो अर्थपति हैं इनकी उपाधि त्रिपताका ध्वज महासेनापति परम भट्टारक। हालांकि परम भट्टारक जो रहती है ये भौदत्त वर्मन की उपाधि रहती है इनके पिता की, लेकिन उस उपाधि को धारण कौन करते हैं तो अर्थपति धारण करते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, परम भट्टारक, अर्थपति परम भट्टारक बोलते हैं। साथ ही इनको महाराज की उपाधि से भी नवाजा गया है। तो ये सब क्या है, अर्थपति परम भट्टारक की उपाधियां हैं। चौथा क्या बोल रहा है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से भौदत्त वर्मन की जानकारी प्राप्त नहीं होती। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से भौदत्त वर्मन की जानकारी प्राप्त नहीं होती है, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र से हमको अर्थपति की ही क्या होती है, जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किसमें, केसरी बेड़ा ताम्रपत्र में। और इसी ताम्रपत्र में उल्लेखित है कि जो पृथ्वीसेन द्वितीय है उन्होंने क्या किया था, आक्रमण किया था, और आक्रमण करके इस क्षेत्र पर क्या किया था, अधिकार स्थापित किया था, पुष्करी को नष्ट कर दिया था। ठीक है, और अर्थपति परम भट्टारक की मृत्यु या अर्थपति परम भट्टारक की हत्या भी कर दी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर आपका, सभी कथन सत्य है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, किस शिला लेख से नलों के शैव से वैष्णव होने के प्रमाण मिलते हैं, किस शिला लेख में जो नल नागवंश के शासक हैं उनके शैव से वैष्णव होने का प्रमाण मिलता है, ऐसा आपको पूछा जा रहा है। तो शैव, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो नल नागवंश के शासक थे प्रारंभिक रूप से वो क्या कर रहे थे, शैव धर्म का पालन कर रहे थे, उसके उपरांत आगे चलकर ये क्या हो रहे हैं, तो वैष्णव धर्म में जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने युद्ध देखा था पृथ्वीसेन द्वितीय का किसके साथ, अर्थपति परम भट्टारक के साथ। अर्थपति परम भट्टारक की मृत्यु और अर्थपति परम भट्टारक की मृत्यु उपरांत जो स्कंद वर्मन रहते हैं वो क्या करते हैं, पुनः स्थापित करते हैं किसको, पुष्करी को, और पुनः स्थापित करके नल नागवंश को फिर क्या करते हैं, समृद्ध करते हैं। ठीक, और इसी के उपरांत इनकी जो जानकारी का स्रोत है क्या, पोड़ागढ़ शिलालेख। और पोड़ागढ़ शिलालेख में कहा गया है कि स्कंद वर्मन के समय से ही जो नल नागवंश वाले हैं वो कहां चले जाते हैं, तो शैव धर्म से वैष्णव धर्म में क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं, शैव धर्म छोड़कर ये वैष्णव धर्म मानने लग जाते हैं। इसी के बाद आगे आप देखेंगे तो इनके द्वारा वैष्णव धर्म से संबंधित बहुत सारे कार्य किए जाएंगे, जिसमें मुख्य रूप से जो कौन है आपके विलासतु, उनके द्वारा राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया जाता है, जिसमें काले पत्थर से निर्मित भगवान विष्णु की क्या है, प्रतिमा है। तो किसके समय बोलेगा, तो स्कंद वर्मन के समय। किस शिलालेख में बोलेगा, तो पोड़ागढ़ शिलालेख में। आंसर क्या, पोड़ागढ़ शिलालेख। अब पोड़ागढ़ शिलालेख में हमको क्या जानकारी मिलती है कि स्कंद वर्मन ने पुष्करी को पुनः बसाया, साथ ही स्कंद वर्मन के लिए इसमें विजय था, विजय है, विजय रहेगा करके उल्लेख है। साथ ही पोड़ागढ़ शिलालेख में यह भी बताया गया है कि संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो सबसे बड़ा साम्राज्य है वो स्कंद वर्मन का है, हालांकि था नहीं, लेकिन पोड़ालेख शिलालेख में क्या किया गया है, इस बात को उल्लेखित किया गया है। ठीक, आगे हम देखेंगे अभी, या उस समय तक आप देखें तो क्या हो सकता है, इनका जो साम्राज्य है वो विस्तृत हो सकता है सर्वाधिक, लेकिन संपूर्ण छत्तीसगढ़ के अंतर्गत अगर पूरे संपूर्ण छत्तीसगढ़ के इतिहास का वर्णन करें तो स्कंद वर्मन का साम्राज्य सबसे बड़ा नहीं था, लेकिन किसके अनुसार आपको मान के चलना है, पोड़ागढ़ शिलालेख के अनुसार मानकर चलना है। साथ ही पोड़ागढ़ में इनके द्वारा क्या किया गया था, विष्णु मंदिर का भी निर्माण कराया गया था, जो इस बात का प्रमाण है कि इसी समय से जो नल नागवंश के शासक रहे हैं वो क्या किए हैं, शैव धर्म से वैष्णव धर्म की ओर प्रभावित हुए हैं। क्लियर यहां तक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, अग्रहार परंपरा की शुरुआत किस शासक द्वारा की गई। तो अग्रहार परंपरा की जो शुरुआत है
वो क्या सुदेवराज के द्वारा किया गया कि महाशक्ति वरदेव के द्वारा किया गया कि विलासतुंग के द्वारा किया गया कि स्कंद वर्मन के द्वारा किया गया। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अग्रहार परंपरा होती क्या है। तो अग्रहार परंपरा एक ऐसी परंपरा थी जिसमें ब्राह्मणों को कर्म कर मुक्त भूमि ग्राम या बोल सकते हैं आप पर्टिकुलर कोई क्षेत्र है वो क्या किया जाता था, दान दिया जाता था। ठीक है, किस परंपरा के तहत? अग्रहार परंपरा के तहत। और इस परंपरा के शुरुआत करता थे स्कंद वर्मन। ठीक है, कौन थे? स्कंद वर्मन। अग्रहार परंपरा की शुरुआत किसने की थी? तो स्कंद वर्मन ने की थी। चौथा क्या बोल रहा है? किस सर्वपुरी वंशीय शासक के सिक्कों पर प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? ठीक, अब हम कौन से वंश में पहुंच रहे हैं? तो सर्वपुरी वंश में पहुंच रहे हैं। और क्या पूछा जा रहा है आपको? किस सर्वपुरी वंशीय शासक के सिक्कों पर प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया? सर्वराज, प्रसन्न मात्र, सुदेवराज और नरेंद्र। तो इसमें जो सर्वराज हैं इनके सिक्कों पर क्या किया गया? प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। इससे पहले के जो शासक आ रहे थे, सर्वपुरी वंश के नहीं, छत्तीसगढ़ के अंतर्गत और जो शासक आ रहे थे उनके द्वारा क्या किया जा रहा था? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया जा रहा था। लेकिन सर्वपुरी वंश के जो संस्थापक रहेंगे सर्वराज, उनके द्वारा अपने सिक्कों पर कौन से भाषा का प्रयोग किया गया? संस्कृत भाषा का प्रयोग किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला, सर्वपुरी वंश के संबंध में कथनों पर विचार करना है आपको। पहला बोल रहा है सर्वराज राजा बनने से पूर्व नल नाग वंशियों के सामंत थे। दूसरा बोल रहा है सर्वपुरी शासक नरेंद्र ने अपने शासन के 24वें वर्ष रजत जयंती मनाया था। तीसरा बोल रहा है नरेंद्र जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते थे वहां ताम्रपत्र जारी करते थे। और चौथा बोल रहा है नरेंद्र की मुद्रा में गज भिषिक्ति लक्ष्मी अंकित था। और हमको जानना क्या है? तो सत्य कथनों की पहचान हमको करनी है। एक दो तीन सत्य है कि दो तीन चार सत्य है, कि सभी सत्य है कि सभी असत्य है? जल्दी अपना आंसर लगाइए। लगा लिए आंसर आप? चलो चर्चा करते हैं। पहला, सर्वराज के बारे में ही चर्चा करते हैं। क्या बोल रहे हैं आपको? सर्वराज जो थे वो क्या थे? तो राजा बनने से पूर्व क्या थे वो? तो किसके सामंत थे बोला जा रहा है आपको? तो नल नाग वंशियों के सामंत थे ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, और दूसरा कथन क्या बोल रहा है? सर्वपुरी शासक नरेंद्र ने अपने शासन के 24वें वर्ष रजत जयंती मनाया था। तीसरा, नरेंद्र जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते थे वहां ताम्रपत्र जारी करते थे। और चौथा क्या बोल रहा है आपको? नरेंद्र की मुद्रा में गज भिषिक्ति लक्ष्मी अंकित था। सबसे पहले सर्वपुरी वंश के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। सर्वपुरी वंश के बारे में आपने क्या क्या देख लिया था? तो सर्वपुरी वंश जो था इसका शासन का समय क्या था? तो 5वीं से 6वीं सदी। राजधानी क्या? एक आपको सर्वपुरी याद रखना है ना, जो कि आज वर्तमान किस नाम से जाना जा रहा है? संबलपुर के नाम से जाना जा रहा है। और दूसरा क्या? शेरपुर। इसके अलावा मल्हार भी इसकी राजधानी थी। तीसरा आपको क्या जानना है? इस वंश के संस्थापक कौन? तो सर्वपुरी वंश के संस्थापक थे सर्वराज। ठीक, कौन थे? सर्वराज थे। ठीक, सर्वराज के उपरांत अगले शासक आए नरेंद्र। नरेंद्र उपरांत प्रसन्न मात्र। प्रसन्न मात्र के उपरांत जयराज। जयराज के बाद दुर्गराज। दुर्गराज के उपरांत सुदेवराज। प्रवरराज प्रथम। और प्रवरराज द्वितीय। ये इस वंश के अंतिम शासक थे। ठीक, क्या थे? अंतिम शासक थे। समझ में आ गया? अब ये जो दो नाम देख रहे हैं आप, जयराज और दुर्गराज, इनके संबंध में क्या है? एक भ्रांति है। ठीक, कुछ लोगों का कहना है कि जयराज और जो दुर्गराज थे वो क्या थे? एक ही व्यक्ति थे।
ठीक है। और कुछ लोगों का कहना है कि जो जयराज थे और जो दुर्गराज थे वो क्या थे, अलग अलग व्यक्ति थे, जिसमें से डॉक्टर बालचंद्र जैन और श्याम कुमार पांडे जी का कहना था कि जो जयराज एवं दुर्गराज थे वो क्या थे, एक ही व्यक्ति थे। साथ ही कुछ व्यक्ति, जैसे कि कुछ इतिहासकारों का मैं बात करूं तो अजय मिश्र शास्त्री और पी एल मिश्रा का कहना था कि ये दोनों क्या हैं, अलग अलग शासक हैं। इसमें क्या है, थोड़ी सी भ्रांति है कि ये दोनों एक थे कि दोनों अलग अलग थे। मुख्य रूप से ये जो भ्रांति उत्पन्न हुई है ये दुर्ग शहर के स्थापना के संबंध में हुई, कि जो दुर्ग शहर है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, दुर्ग शहर के संस्थापक कौन थे। किसी किसी बुक में लिखा है दुर्गराज थे, किसी किसी में लिखा है जयराज थे, तो एक्चुअल थे कौन, तो कुछ जो लोग हैं जैसे कि बालचंद्र जैन है ना, श्याम कुमार जी हैं, उनका क्या कहना है कि दोनों एक ही थे और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है भाई, तो इन्हीं के द्वारा दुर्ग शहर की स्थापना की गई है। लेकिन अजय मिश्र शास्त्री और पीएल मिश्रा के अनुसार या उनका कथन है कि ये दोनों अलग अलग व्यक्ति थे और दुर्गराज के द्वारा क्या किया गया है, दुर्ग शहर की स्थापना की गई है। जो भी हो आंसर कैसे लगाएंगे दुर्ग शहर की स्थापना के लिए, तो दुर्ग शहर की स्थापना के लिए अगर दोनों ऑप्शन में रहा तो आप दुर्गराज को क्या करेंगे, फर्स्ट प्रेफरेंस देंगे। अगर दुर्गराज ऑप्शन में नहीं रहा, सिर्फ जयराज ऑप्शन में रहा, तब आप क्या करेंगे, जयराज को आंसर लगाएंगे। अब थोड़ा चर्चा करते हैं सरवराज। सरवराज जो रहते हैं ये राजा बनने से पूर्व जो वाकाटकवंशी शासक रहते हैं प्रवर सिंह प्रथम, उनके सामंत रहते हैं। क्या रहते हैं ये, उनके सामंत रहते हैं। और जब प्रवर सेन प्रथम की मृत्यु हो जाती है तो प्रवर सेन प्रथम की मृत्यु उपरांत जो गुप्त वंश वाले हैं वो क्या कर दिए, वाकाटक वंश पर आक्रमण कर दिए। वाकाटक वंश पर आक्रमण किए, वाकाटक वंश कमजोर हो गया। वाकाटक वंश जब कमजोर होता है तो उनकी कमजोरी का फायदा उठाकर जो सरवराज रहते हैं ये पूर्वी छत्तीसगढ़ के अंतर्गत मतलब महासमुंद गरियाबंद वाले क्षेत्र में क्या कर लेते हैं, सर्वपुरी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक, तो सर्वपुरी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई, सरवराज के द्वारा की गई, इसलिए क्या कहा जाता है इनको, सर्वपुरी वंश का संस्थापक कहा जाता है। ठीक, अब सर्वपुरी वंश के अंतर्गत जो सर्वराज आए इनके द्वारा क्या किया गया, ताम्रपत्र जारी किया गया। ठीक, और सर्वपुरी वंश के जो ताम्रपत्र हैं वो छत्तीसगढ़ में सबसे उत्कृष्ट प्रकार के ताम्रपत्र हैं। ठीक है, कैसे ताम्रपत्र हैं, तो सबसे उत्कृष्ट ताम्रपत्र हैं। साथ ही एक पॉइंट आपने पिछले अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में देखा कि इन्होंने क्या किया, अपने सिक्कों पर प्राकृत के स्थान पर संस्कृत भाषा का प्रयोग करना शुरू किया था। ठीक, साथ ही इनके ताम्रपत्र के विषय में एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो सामान्यतः जो सर्वपुरी शासक रहे वो अपने शासन के तीसरे और बीसवें वर्ष में क्या करते थे, तो ताम्रपत्र जारी करते थे सामान्यतः ना। इसका यह मतलब नहीं है कि सिर्फ तीसरे और बीसवें वर्ष में जारी करेंगे, और भी वर्षों में कर सकते थे, लेकिन मुख्य रूप से या सामान्यतः ये कब जारी करते थे या जारी करने का एक तिथि क्या था इनका, तो तीसरा एवं बीसवां वर्ष था। ठीक, समझ में आ गया। इसके उपरांत प्रसन्न मात्र के संबंध में मैंने अभी एक क्वेश्चन रखा हुआ है, तो प्रसन्न मात्र के संबंध में वहां पर चर्चा करूंगा। जयराज दुर्गराज के बारे में आपने अभी चर्चा कर लिया, और नरेंद्र के संबंध में थोड़ा चर्चा और कर लेते हैं कि ये जो नरेंद्र हैं इनके जो मुख्य रूप से ताम्रपत्र हैं वो कौन कौन से हैं। तो जो नरेंद्र हैं, इन नरेंद्र का जो ताम्रपत्र है वो मुख्य रूप से एक है पिपरुदुला ताम्रपत्र। ठीक, कौन सा ताम्रपत्र, पिपरुदुला ताम्रपत्र। पिपरुदुला जो ताम्रपत्र है वो गरियाबंद क्षेत्र से जारी किया गया था, और पिपरुदुला ताम्रपत्र को नरेंद्र ने अपने शासन के तीसरे वर्ष जारी किया था। कब जारी किया था, तो तीसरे वर्ष जारी किया था। एक उनका ताम्रपत्र है कुरुद ताम्रपत्र, और इस कुरुद ताम्रपत्र को उन्होंने अपने शासन के 24वें वर्ष जारी किया था। ठीक है, और साथ ही उनका एक ताम्रपत्र है जिस जो है रावण ताम्रपत्र। ठीक है, कौन सा ताम्रपत्र, रावण ताम्रपत्र, और इस रावण ताम्रपत्र में जो नरेंद्र है उनकी उपाधि परम भागवत मिलती है। ठीक है, क्या मिलती है, परम भागवत मिलती है। क्लियर है यहां तक, अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सर्वराज राजा बनने से पूर्व नल नाग वंशियों के सामंत थे, तो गलत, अभी मैंने बताया कि ये वाकाटक वंशियों के सामंत थे।
दूसरा क्या बोल रहा है, सर्वप्रिय शासक नरेंद्र ने अपने शासन के 24वें वर्ष रजत जयंती मनाया। बिल्कुल सही है, इन्होंने अपने शासन के 24वें वर्ष क्या किया था, रजत जयंती मनाया था। साथ ही इसी 24वें वर्ष में इन्होंने क्या किया था, कौन सा ताम्रपत्र जारी किया था अपने शासन के 24वें वर्ष में, तो कुरुद ताम्रपत्र धमतरी से क्या किया था, जारी किया था। कुरुद ताम्रपत्र इनके द्वारा जारी किया गया था। तीसरा क्या बोल रहा है, नरेंद्र जिन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करते थे वहां ताम्रपत्र जारी करते थे। यह भी बिल्कुल सही है, नरेंद्र जिन जिन क्षेत्रों पर क्या कर रहे थे, विजय प्राप्त कर रहे थे, उन उन क्षेत्रों पर वो क्या करते थे, ताम्रपत्र जारी करते थे। फिर क्या बोल रहा है, नरेंद्र के मुद्रा में गजभिषिक्ति लक्ष्मी अंकित है। यह भी सही है, नरेंद्र की जो मुद्राएं हैं उसमें गजभिषिक्ति लक्ष्मी अंकित है। ठीक है, साथ ही जो सर्वपुरी वंश है, इस सर्वपुरी वंश का जो प्रतीक चिन्ह है, साथ ही जो इनके मुद्रा है, इन सभी में क्या अंकित होता था, गज लक्ष्मी का अंकन होता था। क्लियर है यहां तक? ठीक, नरेंद्र के बारे में एक चीज और ध्यान रखना आप, कि जो नरेंद्र है इनका उल्लेख इनके आने वाले जितने भी इनके वंशज होंगे, इनके वंशजों के किसी भी ताम्रपत्र में या किसी भी जानकारी स्रोत में नरेंद्र का उल्लेख नहीं मिलता है। समझ में आ रहा है बात, नरेंद्र के बारे में इनके वंशजों के किसी भी ताम्रपत्र या शिलालेख में उल्लेख नहीं है। अब हमको छांटना क्या है, यहाँ पर सत्य कथनों की पहचान करनी है। तो पहला कथन तो गलत हो गया, जहां जहां पहला है वो गलत, तो ए ऑप्शन क्या हो गया आपका, एलिमिनेट। दूसरा तीसरा चौथा क्या दिख रहा है आपको, सही नजर आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, दूसरा तीसरा और चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, प्रसन्न मात्र के सिक्कों के विषय में कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, किसके विषय में, प्रसन्न मात्र के सिक्कों के विषय में कथनों पर विचार करना है। पहला क्या बोल रहा है, सिक्कों पर जारी करने की तिथि स्थान वर्ष उल्लेखित होते हैं। दूसरा बोल रहा है, प्रसन्न मात्र के कुल 116 स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। तीसरा बोल रहा है, सिक्कों पर शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया गया है। चौथा बोल रहा है, सिक्कों के मुख्य भाग में प्रसन्न मात्र लिखा है। सत्य कथनों की क्या करनी है आपको, पहचान करनी है, एक दो सत्य है, एक दो तीन सत्य है, एक दो एक तीन और चार सत्य है, कि सभी सत्य है। जल्दी अपना आंसर लगाइए, समझ आ गया, लगा लिया आंसर आप, क्लियर है। चलिए पढ़ लेते हैं पहले प्रसन्न मात्र के संबंध में। प्रसन्न मात्र के बारे में आप पढ़ेंगे, प्रसन्न मात्र, ठीक, प्रसन्न मात्र जो थे, इन्होंने जब ये शासक बनते हैं तो इनके द्वारा लीलागर नदी के किनारे, किस नदी के किनारे, तो लीलागर या निडला, लीलागर या निडला नदी के किनारे एक शहर की स्थापना की गई थी जिसको प्रसन्नपुर शहर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, प्रसन्नपुर शहर कहा जाता था। और इसी प्रसन्नपुर को वर्तमान में, ठीक है, कब, वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है, मल्हार के नाम से जाना जाता है। तो जब प्रसन्न मात्र प्रसन्नपुर शहर की स्थापना किए, जो किस नाम से जाना जा रहा है, वर्तमान में मल्हार के नाम से जाना जा रहा है, तो इन्होंने मल्हार की स्थापना करने के उपरांत या प्रसन्नपुर की स्थापना करने के उपरांत वहां से क्या किए थे, स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ठीक, क्या किए थे, स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। ये जो स्वर्ण सिक्के थे, इन सिक्कों पर आप ध्यान रखना कि जो सिक्के थे, इन सिक्कों पर जारी करने की तिथि वर्ष एवं स्थान का नाम क्या होता था, उल्लेखित होता था। ठीक, ये जो सिक्के थे ये मल्हार टकसाल से ही बने थे। ठीक, कहां से बने थे, मल्हार टकसाल से बने थे। साथ ही इन सिक्कों के पृष्ठ भाग पर, मतलब नीचे भाग पर, प्रसन्न मात्र लिखा था। क्या लिखा था, प्रसन्न मात्र लिखा था। सिक्कों के पृष्ठ भाग पर क्या लिखा था, प्रसन्न मात्र लिखा था। ठीक, और प्रसन्न मात्र के कुल 116 सिक्के प्राप्त हुए। ठीक है, कितने सिक्के प्राप्त हुए हैं, 116 सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिसमें स्वर्ण प्लस रजत, मतलब सोना एवं चांदी दोनों के सिक्के थे।
ठीक है, क्या क्या थे? तो सोना एवं चांदी दोनों के सिक्के थे। साथ ही इन सिक्कों पर शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग। अब होता क्या है शीर्ष पेटिका लिपि? तो इस शीर्ष पेटिका लिपि के अंतर्गत जो सिक्के हैं इनके शीर्षों पर क्या किया रहता है? कोई चित्र या लेख क्या होता है? अंकित होता है। जैसे कि जो सिक्के प्रसन्न मात्र के द्वारा जारी किए गए थे, इन सिक्कों पर गरुड़, गदा, शंख एवं चक्र की आकृति बनी हुई थी, जो इस बात का प्रमाण है कि प्रसन्न मात्र किस धर्म का पालन करने वाले थे, तो वैष्णव धर्म का पालन करने वाले थे। क्लियर है यहां तक? समझ में आ गया? अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? सिक्कों पर जारी करने की तिथि, स्थान, वर्ष उल्लेखित होते थे। बिल्कुल सही है, सिक्कों पर क्या होता था? जारी करने की तिथि, स्थान एवं वर्ष क्या होते थे? उल्लेखित होते थे। दूसरा क्या बोल रहा है? प्रसन्न मात्र के कुल 116 स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। यह भी सही है, कुल 116 स्वर्ण एवं रजत सिक्के प्राप्त हुए हैं। सिक्कों पर शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया गया है। यह कथन भी बिल्कुल सही है कि सिक्कों पर शीर्ष पेटिका लिपि का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके शीर्ष शीर्ष पर मतलब उत्तर नीचे, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, आप देखें तो शीर्षों पर क्या बने हुए हैं? चित्र बने हुए हैं। गरुड़, गदा, शंख, चक्र का क्या बना हुआ है? वहां पर आकृति बना हुआ है। चौथा क्या बोल रहा है? सिक्के के मुख्य भाग में प्रसन्न मात्र लिखा है। यह गलत है। सिक्के के पृष्ठ भाग में क्या लिखा हुआ है? प्रसन्न मात्र लिखा हुआ है। छांटना क्या है हमको? तो सत्य कथन छांटना है। तो सत्य कथन आपका क्या क्या है? एक, दो और तीन। कहां दिख रहा है एक, दो, तीन? तो बी में। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला बोल रहा है सुदेव राज के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला बोल रहा है इंद्र बलराज को अपना सर्वाधिकारीकृत नियुक्त किया। दूसरा बोल रहा है खरियार ताम्रपत्र में इन्हें भागवत धर्म का उपासक कहा गया है। तीसरा बोल रहा है इनके 6 ताम्रपत्र सिरपुर से तथा 2 ताम्रपत्र सरभपुर से प्राप्त हुए हैं। और चौथा बोल रहा है कौवतल अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो इसमें हमको छांटना क्या है? असत्य कथन छांटना है। कौन सा कथन असत्य है? तो सुदेव राज के बारे में, जैसे कि आप जान रहे होंगे, तो सुदेव राज का जो जानकारी का स्रोत है वो क्या है? कौवतल अभिलेख है, ठीक। और ये जो कौवतल अभिलेख है, ये कौवतल नामक एक स्थान है आज वर्तमान छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के अंतर्गत। कौन से जिले में? महासमुंद जिले में। जिससे क्या प्राप्त होती है हमको? सुदेव राज के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। साथ ही इसी अभिलेख में बताया गया है कि जो इंद्र बल राज थे, उनको सुदेव राज ने क्या किया था? अपना सामंत, सामंत मतलब मंत्री, ठीक है। तो इस सामंत के किस पोस्ट पर नियुक्त किया था? तो सर्वाधिकारीकृत पोस्ट पर नियुक्त किया था। किसने नियुक्त किया था? तो सुदेव राज ने नियुक्त किया था। इसके जीवन की सबसे बड़ी भूल, ठीक है, जो क्या कर देता है? इस वंश को ही समाप्त कर देता है, ठीक है। इंद्र बल राज को अपना क्या किया? सर्वाधिकारीकृत नियुक्त किया था। यह कथन क्या हो गया? सही हो गया। दूसरा मैंने क्या बोला? कौवतल अभिलेख से इनकी जानकारी प्राप्त होती है। यह कथन भी बिल्कुल सही है, ठीक। अब ये जो बोल रहा है आपको क्या? खरिहार ताम्रपत्र में इन्हें भागवत धर्म का उपासक कहा गया है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। खरियार ताम्रपत्र के अंतर्गत सुदेव राज को यशस्वी, शौर्यवान एवं भागवत धर्म का उपासक कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? यशस्वी, शौर्यवान एवं भागवत धर्म का उपासक कहा गया है। क्लियर है? साथ ही जो सुदेव राज हैं, इनके सभी सर्वपुरीय शासकों में सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, ठीक है। क्या हुआ है? सर्वाधिक ताम्रपत्र प्राप्त हुआ है। कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? तो 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। कितने ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं? 8 ताम्रपत्र दिख रहा है, 6 और 2 8, ठीक है। 8 ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं। तो क्या ये भी सही है? देख लेते हैं सही है कि नहीं है, ठीक है। ये जो 8 ताम्रपत्र हैं, इनमें से 6 ताम्रपत्र इन्होंने सरभपुर से जारी किए थे। कहां से जारी किए थे? सरभपुर से जारी किए थे। और 2 ताम्रपत्र इन्होंने सिरपुर से जारी किए थे, ठीक है। कहां से जारी किया था इन्होंने? तो सिरपुर से जारी किया था। और इसमें क्या बोल रहा है?
6 ताम्रपत्र सिरपुर से और 2 ताम्रपत्र सवर्णपुर से, इसलिए ये कथन क्या हो जा रहा है, आपका गलत हो जा रहा है। तो ए बी और जो डी है वो क्या है, सही है, और जो सी ऑप्शन है वो क्या है, आपका गलत है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। समझ में आ गया। साथ ही आप एक चीज और ध्यान रखना, अभी हमने देखा था क्या राष्ट्रीय तुल्य वंश और उसके अंतिम शासक कौन, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय ने सुदेव राज के समय में क्या किया था, आक्रमण किया था किसके ऊपर, सर्वपुरी शासकों के ऊपर। तब इस समय जो सुदेव राज रहते हैं वो अपने छोटे भाई प्रवर राज प्रथम को क्या करते हैं, भीमसेन द्वितीय का सामना करने भेजते हैं, और इस युद्ध में भीमसेन द्वितीय क्या होते हैं, पराजित होते हैं। और जब भीमसेन द्वितीय पराजित हो जाते हैं तो जो सुदेव राज रहते हैं वो प्रवर राज प्रथम को क्या कर देते हैं, सिरपुर का गवर्नर नियुक्त कर देते हैं। ठीक है। इसके उपरांत जब सुदेव राज का शासन समाप्त होता है और प्रवर राज प्रथम शासक बनते हैं तो प्रवर राज प्रथम उसी सिरपुर को क्या करते हैं, राजधानी बनाते हैं। ठीक है। फिर प्रवर राज प्रथम के उपरांत अगले जो शासक आते हैं वो रहते हैं प्रवर राज द्वितीय। अब प्रवर राज द्वितीय की हत्या कर देते हैं कौन, इंद्रबल राज। प्रवर राज द्वितीय की हत्या कौन कर देते हैं, इंद्रबल राज। और इंद्रबल राज की हत्या करके सिरपुर में जो, सॉरी, प्रवर राज द्वितीय की हत्या करके जो इंद्रबल राज रहते हैं वो सिरपुर में क्या करते हैं, पांडु वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है। इसी को आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक, क्या बोल रहा है, सर्वपुरी प्रशासन में तहसील के रूप में कौन सी इकाई कार्य करती थी, राष्ट्र, भोग, आहार और देश। जल्दी बनाइए। ठीक, तो जो सर्वपुरी राजवंश था उस सर्वपुरी राजवंश के अंतर्गत जो उनकी प्रशासन व्यवस्था थी, इसमें राष्ट्र का अर्थ संभाग होता था। क्या होता था, संभाग। ये जो आहार दिख रहा है आपको, इस आहार का मतलब होता था जिला। और जो भोग दिख रहा है, भोग या भुक्ति, इसका मतलब तहसील होता था। क्या होता था, तहसील होता था। क्लियर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, तहसील इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तहसील। ये आज का हमारा आखिरी प्रश्न था जिसमें हमने क्या क्या कर लिया, आज के वीडियो में हमने वाकाटक वंश के बारे में विस्तृत चर्चा कर लिया, साथ ही राष्ट्रीय तुल्य वंश, नल नाग वंश और सर्वपुरी वंश के बारे में हमने सारी जानकारियां प्राप्त कर ली। आगे का जो हमारा वीडियो होगा उसमें जो एक हमारा क्षेत्रीय राजवंश बच गया है, क्या, पांडु वंश, और उसके बाद जो मध्यकालीन के अंतर्गत या मध्यकाल के अंतर्गत प्रमुख प्रमुख राजवंश हैं, जैसे कांकेर के अंतर्गत सोम वंश, कवर्धा का फड़ी नाग वंश, ठीक है, कोरबा के अंतर्गत जो पाली का बाण वंश है, ठीक, सोम वंश की जो है उस सोम वंश की कितनी शाखाएं हैं, इन सब के बारे में क्या करेंगे, हम विस्तृत चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और समाप्त करने से पहले फिर वही बात, अगर आपको हमारे द्वारा किया गया हमारा प्रयास पसंद आ रहा है, हम जो कंटेंट आपको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं वो आपको सही लग रहा है, हमारे द्वारा जो क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं वो उस लेवल के लग रहे हैं जो आपको आने वाले समय सभी एग्जामों में काम आएंगे, तो क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक, कमेंट आप करते रहिए। ठीक है, आपकी जो जो क्वेरी है वो आप कमेंट में रखते जाइए, और कमेंट में अगर आप आपको कुछ डाउट है तो आप क्या कीजिए, कमेंट में ही अपने उस डाउट को भी पूछ लीजिए। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।